हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्रीज किचन। आज हम लोग वर्की पूरी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। और अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। क्रश करके काली मिर्च डाल रही हूँ। ये आप कम ज्यादा डाल सकते हो। मोइन के लिए मैंने घी गरम करके रखा है और मैं इसे एक बड़ा सा चम्मच डाला है। मैंने टेबलस्पून नहीं है, लेकिन मैंने 5-6 टेबलस्पून डाला है। और अभी इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। मैं 2 चम्मच और डाल रही हूँ। देख सकते हो मोइन हमारा अच्छी तरह हर आटे में लग गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम डो बना लूंगी। आटा मैंने गूंद लिया है। आप देख सकते हो रोटी से थोड़ा कड़क आटा मैंने गूंथा है। अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ। कप घी लिया है, उसे मेल्ट कर लिया है। और अब इसमें मैं 3 चम्मच भर के चावल का आटा लिया है और मैं इसकी एक पेस्ट बना लूंगी। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब मैं इसकी लुइया बना लूंगी। मैंने सारी लुइया बना ली है और मैं इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेती हूँ। मैंने एकदम पतला रोटी बेला है तो ये ज़्यादा खास्ता बनेगी। आप देख सकते हो मैदा है, इसके लिए इसे बेलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए मैंने एकदम पतला बेला है। इसी तरह मैं सारे बेल लेती हूँ। मैंने सारी पूरियाँ बेल ली है। अब मैं जो हमने पेस्ट बनाई थी उसे अच्छी तरह चार बाजू हर बाजू
स्प्रेड कर दूंगी। मैंने 6 रोटियों को लगाकर ऐसे ये पेस्ट लगा ली है। अब मैं इसे टाइट रोल में बांध लूँगी। छोटी छोटी लुइयों में ऐसे काट लूंगी। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी। मुझे ज़्यादा नहीं बेलना है। आपको इसमें परत दिख रही होगी। पूरी बेल ली है। तेल मैंने गरम करने के लिए रखा था। अब मैं इसे मीडियम गैस पे तल लूंगी।
इसकी परतें आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है। इसी तरह मैं सारी पूरियां फ्राई कर लूंगी। मैंने सारी पूरियां तल ली है। आप देख सकते हो इसकी परत कैसी दिख रही है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।